12,500 रियाल देना होगा, जो कि 2017 मॉडल होने वाली है। बिल्कुल वेल मेंटेन, अच्छी कंडीशन में। कैमरी को आपको अपना बनाने के लिए 14,000। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं शमशेर ब्लॉग्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल शमशेर ब्लॉग्स में। तो आज एक बार फिर से मैं नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ, जो कि हम आपको लेकर के आए हैं सेकंड हैंड कार मार्केट में, जहाँ की आपको हम कार का वीडियो शूट करके दिखाते हैं। तो मेरे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा फ्रेंड। देख सकते हैं चारों साइड कार ही कार आई है। अगर मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है, अच्छा लगता तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो की पहली कार होने वाली, जो कि देख सकते हैं किया रियो बिल्कुल मस्ट डिमांडेड ये भी कार है। एक्सेंट और यारिस की आपको मुकाबले में ये भी रहती है, इसलिए कि ये 4 सिलेंडर में भी आती है और बिंजिल ये भी बहुत कम खाती है सऊदी अरबिया के अंदर, खास इसका भी डिमांड बहुत रहता है तलवार के काम करने के लिए। लेकिन हम आपको बता दें कि 2017 मॉडल होने वाली है, बिल्कुल वेल मेंटेन, अच्छी कंडीशन में, और कहीं आपको इसमें एक स्क्रेच वगैरह तक भी नहीं मिलेगा। और 2017 मॉडल है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन कार होने वाली है, बहुत सुंदर एकदम ब्यूटीफुल कार होने वाली है। तो फ्रेंड चलिए हम आपको इंटीरियर दिखा दें ताकि आपको अंदाजा लग सके। तो फ्रेंड आप इंटीरियर देख सकते हैं, इस कंडीशन में बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। चारों पावर विंडो इसमें मिलते हैं, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम, इसमें भी 4 आपको एयरबैग आते हैं और अब बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और आप पीछे वाला भी सीट देख सकते हैं किस कंडीशन में, देख सकते हैं बिल्कुल कहीं एक स्क्रेच वगैरह इसमें दाग धब्बा थोड़ा भी कहीं इसमें, मतलब मैट वगैरह सब कुछ लगा हुआ, फुल्ली लोडेड ये कार। इस कार को बाय करने के बाद मेरे हिसाब से आपको कहीं इसमें एक पैसा का आपको खर्च नहीं है, लेकिन इसका प्राइस थोड़ा आपके लिए मतलब कॉस्टली लगेगा, मतलब प्राइस इसका कुछ ज़्यादा हो सकता है। लेकिन ये बता दें कि ये कार आपको लेने के बाद बिल्कुल इसमें कुछ खर्च नहीं है, वेल मेंटेन और अच्छी कंडीशन में, आपको बिल्कुल नदीब सैयारा, इसमें कहीं कुछ आपको थोड़ा भी कमी वगैरह नहीं है। इस्तमारा, फहास, मुकैफ, गियर, यानी कि जो भी है सब फुल्ली लोडेड अप टू डेट पेपर वर्क इसका है। और ये बता दें 2017 की किया रियो मात्र 1,50,000 किलोमीटर चली हुई, मात्र 1,50,000 किलोमीटर। और ये भी मेरे फ्रेंड लोग का कमेंट रहता है कि भाई सऊदी अरबिया के अंदर कार का मीटर मतलब बैक होता है क्या? ये भी हम आपको बता दें, सऊदी अरबिया के अंदर कार का मीटर बैक होता है बिल्कुल ना के बराबर, वही करेगा जो मैकेनिक आपका सदीक है। नहीं तो आप कहीं जाइए, कितना पैसा दीजिएगा तो बोलिएगा कि कार का मीटर बैक करना है, तो सऊदी अरबिया के अंदर कार मीटर बैक नहीं होता है, इसके ऊपर आपको फाइन भी अगर पता लग जाएगा तो ठीक है फ्रेंड। तो चलिए इस कार के प्राइस के बारे में जानते हैं। 2017 मॉडल की किया रियो की प्राइस मात्र 28,000 रियाल होने वाला है और 1,50,000 किलोमीटर ये कार चली हुई है। और स्क्रीन पे आपको नंबर मिलेगा, डायरेक्ट आप कॉल करके कार ऑनर से बात कर सकते हैं। और फ्रेंड आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जैसे वीडियो अपलोड हम करते हैं उसके बाद आप लोग थोड़ा सा वीडियो देखते हैं और हमको कमेंट में आके बोलते हैं कि भाई फलाना गाड़ी का आप नंबर दे दें, तो आप लोग प्लीज़ आप लोगों से मेहरबानी है कि फुल वीडियो को बात कीजिएगा। वीडियो के स्क्रीन पे आपको हम नंबर देते हैं डायरेक्ट, वो भी कार ऑनर से बात करने के लिए, आप कार ऑनर बात कर सकते हैं, जो भी आपको समस्या आप उससे पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो चलिए चलते हैं आज की अगली कार। तो फ्रेंड जैसा कि देख सकते हैं कि जो ये दूसरी कार होने वाली इस वीडियो की, जो कि टोयोटा की कैमरी, बिल्कुल अच्छी कंडीशन में, लाइट आपको ग्रे कलर में है, आप देख सकते हैं ये कैमरी बिल्कुल अच्छी कंडीशन में। और इसके पीछे आप देख रहे हैं कस्टमर सारे बहुत आ रहे हैं, आप देख सकते हैं चारों साइड। पहले हम आपको वॉक अराउंड करा के दिखा दें, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और इसमें कहीं आपको, इसमें भी आपको रीपेंट की गई है कार, लेकिन इसमें भी आपको कहीं स्क्रेच वगैरह नहीं, आप देख सकते हैं। ओवरऑल लुक हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। और पीछे ये थोड़ा सा सदम में पीछे में ये आपको यहाँ थोड़ा आपको स्क्रेच मिलेगा, आप देख सकते हैं जो है आपको हम जिन्होंने दिखा रहे हैं। और इसके ऊपर कस्टमर भी बहुत आ रहे हैं, ये कार के ऊपर एलॉय व्हील नहीं है लेकिन उसके ऊपर कवर लगाया गया, देख सकते हैं, और इस कंडीशन में कार है। चलिए हम आपको इसका इंटीरियर भी दिखाते हैं ताकि इससे आपको अंदाज़ा लग सके। तो फ्रेंड आप इंटीरियर देख सकते हैं, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में नहीं है, ये 2005 की कैमरी होने वाली है और कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम है। बाकी आपको चारों पावर इसमें विंडो मिलेंगे और आपको गियर, मकीना, मुखैब सब कुछ अच्छे कंडीशन में है। और एसी आपको रनिंग कंडीशन में बिल्कुल चिल है। और चलते हैं हम आपको पीछे वाला भी सीट दिखा दें। देखिए फ्रेंड पीछे वाला भी आप सीट देख सकते हैं, इस कंडीशन में है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और ये आपको थोड़ा यहाँ नुक्स मिलेगा, जो पैसेंजर के लिए पीछे का जो एसी वाला डिपार्ट बनाया गया है वो देख सकते हैं, उसका कवर थोड़ा डैमेज टाइप का नज़र आ रहा है, खुला हुआ है। बाकी ओवरऑल लुक आप देख चुके हैं कि कार किस कंडीशन में है। तो चलिए इस कार के प्राइस के बारे में जानते हैं फ्रेंड। 2005 की ये कैमरी को आपको अपना बनाने के लिए 14,000 रियाल देना होगा, मात्र
ऐ नफरीब का अरबतासल। तो आपको यानी जिन भाई को ये कार चाहिए तो 2005 आपको इसको प्राइस देना होगा 14,000 रियाल। तो फ्रेंड ये देख सकते हैं कि फरमाइश के बेस पे ये कार आई हुई है, जो कि आपको बहुत डिमांड था कि भाई अगर कोई हैलक्स वगैरह है तो दिखाइए, डबल डोर या सिंगल डोर हो। तो इससे पहले भी वीडियो में हम दिखाए थे, और फिर आपको टोयोटा की एक और हैलक्स आ गई है जो कि देख सकते हैं ये सिंगल डोर में होने वाली है, और ये मॉडल 2000 होने वाली है, 2000 ये मॉडल होने वाली है जो कि हैलक्स। और इस कंडीशन में पहले अच्छे से आप इसको देख के और संतुष्टि अपने आत्मा को शांति पहुँचा लीजिए कि कार किस कंडीशन में है हैलक्स, उसके बाद इसके बाय करने के बारे में सोचिएगा और देखिएगा। देख सकते हैं डाला वगैरह बिल्कुल साफ है, साफ़ सफाई है, कहीं इसमें कुछ नहीं है, और पीछे का भी लुक देख सकते हैं इस कंडीशन में है। और सन 2000 मॉडल के ये आपको हैलक्स सिंगल डोर में होने वाली है, और ओवरऑल लुक हम आपको दिखा चुके हैं। अब चलिए हम आपको इसका इंटीरियर भी दिखा दें ताकि इससे कुछ आपको और अंदाज़ा लग सके किस कंडीशन में ये है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं इसका इंटीरियर, आप देख सकते हैं इस कंडीशन में कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम है, और इसमें आपको मुकैफ अभी भी रनिंग कंडीशन में चालू है, और इसमें गियर मकीना मुकैफ सब कुछ अच्छा है। आप चाहें तो कंप्यूटर फास्ट जांच करा सकते हैं। तो फ्रेंड इस हैलक्स को आपको अपना बनाने के लिए मात्र 15,000 रियाल देना होगा, जो कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में नहीं है, मैनुअल है। मैनुअल ट्रांसमिशन में ही आपको हैलक्स होने वाली है, और 2000 मॉडल होने वाली, सन 2000 की है, और इसको प्राइस आपको अपना बनाने के लिए मात्र 15,000 रियाल देना होगा। तो फ्रेंड जैसा कि देख सकते हैं एक और आपके लिए जो कि टोयोटा की, ये भी एक और हैलक्स होने वाली जो कि न्यू शेप वाली है, पुरानी ओल्ड शेप वाली नहीं है। ये आपको हैलक्स 2015 मॉडल की है, और ये भी सिंगल डोर में आप देख सकते हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और अच्छी कंडीशन में, बिल्कुल साफ सफाई, कहीं इसमें कुछ नहीं, बिल्कुल आप देख सकते हैं इसका डाला वगैरह कहीं से इसमें कुछ कटा फटा टूटा फूटा वगैरह कुछ नहीं है। और आप देख सकते हैं पीछे वाला भी आप कंडीशन देख सकते हैं, इस कंडीशन में बिल्कुल साफ सफाई से ये आपको हैलक्स होने वाली है 2015 मॉडल को, 2015 मॉडल होने वाली है, और ये आपको सिंगल डोर में मिलेगी। ओवरऑल लुक हम आपको दिखा दें, बिल्कुल बेहतरीन है और अच्छी है आप देख सकते हैं। तो अभी चलिए हम आपको इसका टायर भी दिखा दें, टायर आप देख सकते हैं आपको 80-90% ये आप कार बोल सकते हैं कि जो बची हुई है। आप इंटीरियर देख सकते हैं इस कंडीशन में, स्क्रीन टच आपको म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है, और ये भी आईडी है, और इसका भी गियर मकीना मुकैब सब कुछ आपको अच्छी कंडीशन में है, और इसमें आपको पावर विंडो नहीं मिलते आप जैसा कि आप देख लिए। तो चलिए फ्रेंड इस हैलक्स को आपको अपना बनाने के लिए 35,000 रियाल देना होगा, जो कि 2015 मॉडल की है, हैलक्स होने वाली है, और ये मात्र 4,00,000 किलोमीटर चली हुई है, 4,00,000 किलोमीटर ये चली हुई है। हम आपको बार बार बता रहे हैं इसलिए कि आदमी को कमेंट था कि भाई साथ में किलोमीटर भी बता दिया करें। तो फ्रेंड ये आपको हैलक्स सिंगल डोर में है 2015 मॉडल, और इसका प्राइस है 35,000 रियाल, और वीडियो के स्क्रीन पे आपको नंबर मिलेगा, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करके और आपको इसमें नंबर मिलेगा और डायरेक्ट कार ऑनर से बात कर सकते हैं। और फ्रेंड साथ में मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा। चलिए चलते आज की ये अगली कार की तरफ। तो फ्रेंड जैसा कि देख सकते हैं कि जो कि आपके सामने बिल्कुल एक टोयोटा की प्राडो नज़र आ रही है, बिल्कुल व्हाइट कलर में और अच्छी कंडीशन में, जो कि ये 8 सीटर में होती है, और 8 सीटर का भी बहुत डिमांड रहता है। लेकिन अभी सऊदी अरबिया के अंदर आपको बता दें कि बेंजीन थोड़ा गाली होने के कारण 8 सीटर कार की डिमांड थोड़ी कम हो गई है, इसके लिए इसका प्राइस जो है थोड़ा आपके हिसाब से चीप एंड बेस्ट मिलेगी। ये कार एलॉय व्हील के साथ आती है, आप देख सकते हैं वेल मेंटेन में और अच्छी कंडीशन, व्हाइट कलर, और चारों साइड पहले हम आपको वर्कराउंड करके दिखा दें ताकि आपको इससे अंदाजा लग सके कि कार किस कंडीशन में है। और बैक प्रोफाइल भी आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी कंडीशन में, बिल्कुल ब्यूटीफुल, और लुक वाइज भी आप देख सकते हैं कहीं से भी इसमें आपको कुछ कमी नहीं नज़र आएगा, आप कमेंट इसमें नहीं निकाल सकते फ्रेंड। तो चलिए आपको हम दूसरी साइड का भी व्यू दिखाते हैं। तो चलिए फ्रेंड आप ओवरऑल लुक आप देख चुके हैं, और चारों साइड हमने आपको वॉक राउंड करा के दिखा भी दिया है। तो चलिए अब बारी है इस कार के इंटीरियर दिखाने का कि आप इंटीरियर देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कार किस कंडीशन में है। तो फ्रेंड जैसा कि देख सकते हैं इंटीरियर बिल्कुल आपको नीट एंड क्लीन मिलेगा, ये तो आपको पता है कि लग्जरी सेगमेंट में ये कार आती है, और कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम में इसमें आपको 6 एयरबैग आते हैं, और चारों पावर विंडो इसमें मिलेंगे आपको, और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में नहीं है, माफ़ कीजिएगा, ये आपको आईडी ट्रांसमिशन में होने वाली है, और इस कंडीशन में आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी कंडीशन में। और पीछे वाला भी सीट का आप कंडीशन देख सकते हैं कैसी है,
बिल्कुल अच्छी कंडीशन में, और पीछे भी पैसेंजर का एसी का ख्याल रखा गया है आप देख सकते हैं, और सीट वगैरह का आप तो मत पूछिए, बिल्कुल महाराजाओं वाला सीट इसमें लगाया गया है और अच्छी कंडीशन में 8 सीटर में आती है। तो चलिए फ्रेंड अब इस कार की प्राइस के बारे में जानते हैं, जो कि 2016 की प्राडो टोयोटा की, और इसको अपना बनाने के लिए मात्र 24,000 रियाल देना होगा, जो कि मात्र 5,40,000 किलोमीटर चली हुई है, जो कि आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि बता दें आपको, सिर्फ यहाँ पेट्रोल महंगे होने के कारण आपको ये इतनी बड़ी कार, लग्जरी कार जो कि 8 सीटर में आपको मात्र 24,000 रियाल में मिल रही है 2016 मॉडल की। तो फ्रेंड जैसा कि देख सकते हैं, इस वीडियो की आखिरी और लास्ट कार होने वाली जो कि हुंडई की एक्सेंट व्हाइट कलर में, और ये नई शेप वाली है, जो कि न्यू शेप में जो आती है वो वाली है, पुरानी राउंड वाली शेप वाली नहीं है, फोकलम के साथ है। और आप देख सकते हैं इसके साइड मिरर पे आपको इंडिकेटर मिलेंगे, और एलॉय व्हील नहीं है इसमें, एलॉय व्हील की जगह पर आपको कवर लगाया गया है, और पीछे वाला भी आप कंडीशन देख सकते हैं कि पीछे का लुक कैसा है, प्रोफाइल कैसा है, और वेल मेंटेन में और अच्छी कंडीशन में कार होने वाली, बिल्कुल बेहतरीन। और थोड़ा सा आपको यहाँ पीछे वाला जो सदम है ना, यहाँ का एक क्लिप आपको निकला हुआ नज़र आएगा, जो कि देख सकते हैं यही थोड़ा आपको यहाँ डेंट मिलेगा, और ये नीचे में जो देखिए तहत में नीचे कहीं लगा हुआ है कुछ ये कार। बाकी ओवरऑल लुक आप देख चुके हैं कार किस कंडीशन में। तो फ्रेंड आप इंटीरियर देख सकते हैं, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आती है कंपनी, फीडबैक म्यूजिक सिस्टम, और चारों पावर विंडो इसमें आपको मिलेंगे, और वेल मेंटेन में ये कार होने वाली है, जो कि गियर मकीना मुकैब सब कुछ आपको रनिंग कंडीशन में, अच्छी कंडीशन में, और पेपर अप टू डेट इसका वर्क है, सब कुछ इसमें कोई कमी नहीं है। तो इस कार को आपको अपना बनाने के लिए मात्र 12,500 रियाल देना होगा, जो कि 13 मॉडल है, 2013 मॉडल, और 12,500 रियाल, और स्क्रीन पर नंबर मिलेगा, डायरेक्ट आप कॉल करके बात कर सकते हैं। और फ्रेंड बता दें, कभी भी आप कार बाय कीजिएगा सऊदी अरबिया के अंदर, तो मेरे हिसाब से जहां आप 10,000 12,000 और 20,000 रुपये लगा रहे हैं, तो वहां 200 रियाल लगाने से आप पीछे नहीं हटिएगा, बकायदे अपने कार को कंप्यूटर फास्ट चेक करवा कर ही लें, ताकि आपके लिए बेहतर है। अगर आपको कार के बारे में कुछ ज़्यादा मालूम है तो आप ऐसे ले सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो आज के मेरे वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अगर मेरे आप चैनल पर पहली बार आए थे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और साथ में अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड तो फ्रेंड आपसे फिर मिलेंगे कोई ऐसा ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, और टेक केयर।